हेलो दोस्तों, ये मेरे फादर हैं, मिस्टर अमरीश त्यागी। इनको पैनक्रियाज कैंसर था, जो कि 3.5 साल पहले हमें पता चला था कि इनको पैनक्रियाज का कैंसर है। उसके बाद हमने इनका इलाज करवाया था ऑल इंडिया एम्स हॉस्पिटल में। वहाँ से 2 से 3 साल ट्रीटमेंट इनका चला, इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद इनका पैनक्रियाज काट के बाहर निकाल दिया गया, जिसके कुछ टाइम के बाद 2-3 महीने के बाद इनको बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। और दर्द भी मतलब कोई नॉर्मल पेन नहीं रहने लगा था, बहुत हैवी दर्द होता था, जो कि पूरी बॉडी को एक बैंड कर देता था, इनसे सीधा नहीं हुआ जाता था। उसके बाद हमें किसी ने रेफरेंस दिया डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का। मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के पास इनकी पूरी फाइल लेके आज से 5 महीने पहले आया। 5 महीने में स्टार्टिंग में उन्होंने पहले अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया, अपनी मेडिसिन वगैरह दी, जिससे कंट्रोल नहीं हुआ था। फिर उन्होंने 1 से 1.5 महीने बाद एक ओटी प्रोसीजर किया। ओटी प्रोसीजर में इनको इंजेक्शन लगा रीढ़ की हड्डी के थ्रू, जिसके बाद 1 हफ्ते के बाद इनको आराम पड़ना स्टार्ट हो गया। रीढ़ की हड्डी में, बैक में इनको प्रोसीजर दिया गया था ओटी में ले जाके। उसके 1 हफ्ते के बाद उस प्रोसीजर ने अपना काम करना स्टार्ट किया, और आज 5 महीने के बाद वो प्रोसीजर इतना वर्कफुल बैठा है कि इनको दर्द पहले के हिसाब से 5% भी नहीं रहता। और जब कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो एक मॉर्फिन NR टैबलेट सर ने रेगुलर लिखी हुई है, जो रेगुलर बेसिस पे इनको दी जाती है, जिससे इनका दर्द बिल्कुल कंट्रोल रहता है और जीरो दर्द रहता है। और कैंसर से 4 साल लड़ने के बाद ये अभी आपके सामने किस स्थिति में बैठे हैं, वो आप सभी लोग देख सकते हैं। मेरी तरफ से डॉक्टर अनुराग अग्रवाल को बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है, और जो प्रोसीजर उन्होंने किया है वो वाकई में बहुत एक्सीलेंट प्रोसीजर है।